इधर ढेरी थी, इधर एक थी, पत्थर में छेद इतने बड़े थे ये फंबारे। आज तो श्री शंकर आर्डर चलता था, माननीय कलेक्टर का आर्डर हो या एसपी का हो, आर्डर नीचे सेवा अभिषेक आपके ही परिवार के द्वारा होता है। जागीरदारी सिस्टम से चला रहा हूँ। आप ये पूछना चाहूंगा, जब पहली बार द्वारा आप पहली बार कई कर चुके हैं, इससे पहले भी आपने इसका मुआयना किया है, यहाँ की आलमपुर की विशेष मांग रही है सोनभद्र का नदी, जिसका इसमें गंदगी में तब्दील होती जा रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया नगर प्रशासन का? नहीं, इसका नगर प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान दिया है, इसके ना उन्होंने एक प्रपोजल भी बनाया, DPR बनाए हैं सोनभद्र का नदी का घाट के बारे में भी। उन्होंने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मत के अंतर्गत है ना, दूसरी फेस है उसमें ना, इसकी पूरी ना सुदृढ़ीकरण और उसके ना घाट बनाना और सफाई करना पूरी काम लिया है। बट इसके साथ साथ है ना, सभी लोगों से ना अपेक्षा ये है, हम सभी लोग मिलकर भी है ना करेंगे तो नदी है ना दूषित नहीं होगा। तो ये सामाजिक काम भी है, नगर परिषद का प्रशासन का भी काम है, जनता से भी सहयोग अपेक्षित है। जी, दूसरा सवाल ये है सर, यहाँ नगर आलमपुर नगर की विशेष मांग रही है, यहाँ की जो पुरानी बावड़ी है उसका पुरातत्व विभाग में कोई उल्लेख नहीं है, पुरातत्व विभाग में शामिल किया गया विशेष मांग है। इसके बारे में हम पुरातत्व विभाग से ना बात करेंगे, लेटर लिखेंगे, मतलब उनके द्वारा ना वापस है ना चेक करने के लिए बोलेंगे। छतरी आपको 55 लाख स्वीकृत हुआ है, क्या माना जाए कब तक इसका जीर्णोद्धार शुरू हो जाएगा? इसको पुरातत्व विभाग की है ना मतलब टेंडर प्रक्रिया है, जब तक है ना मतलब जैसे पूरा हो जाएगा, मतलब है ना उसको जल्दी शुरू करके इसका काम पूरा करा देंगे। जिस प्रकार से आपने गौरी सरोवर को एक शानदार का प्रतीक दिया है, समूचे मध्य प्रदेश का उसका संकेत गया है, भिंड जिले के लोकप्रिय कलेक्टर माने जाते हैं, उसी तरह के आप ये मान के चले कि दमोह का ऐतिहासिक करधन तालाब और सोनभद्र का नदी को एक गौरी सरोवर का रूप दिया जाए? आप लोग ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ की स्थानीय प्रशासन नगर परिषद है ना लगातार है ना इसके ऊपर है ना मतलब काम कर रहे हैं। आज भी तालाब को देखा गया, तालाब को जीर्णोद्धार ऑलरेडी हो रही है और है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ने सुझाव दिए हैं, जैसे कि पहले भी बताया सोनभद्र का नदी को भी है ना मुख्यमंत्री यादव संरचना मत के अंतर्गत है ना सेकंड फेज में लिया जा रहा है। मतलब सब मिलकर करेंगे तो बिल्कुल है ना एक आकर्षक है ना एक पर्यटन की स्थल भी है ना अच्छे से हो सकता है। करधन तालाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे। थैंक यू। हम लोगों ने इस प्रकार का एक ना कार्यक्रम लिया, मैं बिल्कुल एक्टिवली है ना इस कार्यक्रम में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मेरा आग्रह करूंगा इसको एक प्राथमिकता क्रम तय करें, इसका एक ग्रुप बना दें, ऐसे एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों को जोड़े एंड इसका व्हाटएवर आलमपुर विकास समिति व्हाटएवर सभी लोगों को उसे इन्वॉल्व करें, सभी प्रकार के लोगों का इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। और लगातार है ना समटाइम्स क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट है, जब आपको आगे बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप के लिए तो आप है ना सेटिस्फाइड हो जाएंगे यही बैठ जाओगे फिर बगी रहोगे, समटाइम्स आपको भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हो सकता है मतलब है ना आपके ऊपर हंसेंगे। एक सेकेंड स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है आप कोई भी एक नया काम करोगे सबसे पहले तो मतलब है ना लोग आपके ऊपर हंसी मजाक उठाएंगे, क्या इनका कोई काम नहीं है, काम वाम नहीं है, इसलिए मतलब उनके या ये ना पब्लिसिटी चाहता है, या फिर ना आपके ऊपर है ना क्या क्या क्रिटिसिज्म है ना कर सकते हैं वो सारे करेंगे, हंसी मजाक उठाएंगे। जब आप हंसी मजाक को आपने इग्नोर करने के लिए शुरू करोगे, चलो कोई भी कुछ भी बोलो मैंने ये काम लिया तो मैं ये काम करूंगा, लोग है ना फिर आपको विरोध करने के लिए शुरू करेंगे। सेकेंड स्टेज फर्स्ट हंसी मजाक उठाएंगे फिर विरोध करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, जब जैसे लोग विरोध शुरू करेंगे उसको भी आपने इग्नोर किया फिर है ना लोग आपके साथ ही जाएंगे एक्सेप्टेंस। ये स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्पीच में है, लोग फर्स्ट स्टेप हंसी मजाक, दूसरा स्टेप विरोध, तीसरा साथ में मतलब आपके साथ ही जाएंगे। तो आपको वहां तक है ना सफलता पाने के लिए आपको इन दो स्टेप तीन स्टेप को तो आपको पार करना ही होगा, सफलता आसानी से नहीं मिलेगा ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा, लोगों की ना ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच के लोगों की क्रॉस करके उसे ना जाना होगा। तो मेरे ना छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आपका भी ना संघर्ष करना होगा, कोई कुछ भी कहे आपको लग रहा है आपकी दिमाग दिल से लग रहा है अच्छा है तो उस काम को हमें आगे करना चाहिए। सेम है ना इस पूरी ना समिति का भी ना मेरा ना रिक्वेस्ट ये है इस कार्यक्रम को आप आगे जारी रखिए, यहाँ है ना मतलब है ना कदम ना करिए, एक दिन में इसको
इसलिए मैं बार बार बोल रहा था उसके ना मतलब मेरा क्या है, नहीं आपको प्राथमिकता तय करिए, शॉर्ट टर्म गोल्स हो लॉन्ग टर्म गोल्स हो, मेरा तो मुझे लग रहा है जो 100% सही मिलेगा सभी मुझे बिल्कुल है ना खुशी महसूस कर रहा हूँ इस प्रकार का कार्यक्रम में ना एक सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों के बीच में है पुनः ना सभी आयोजक का और नगर परिषद और ना पूरा सभी गणमान्य नागरिक है ना बधाई और शुभकामनाएं जल्दी ही है ना मतलब है ना आलमपुर को है ना हम लोग वैसे सिटी में देखना चाहेंगे हो सकता है 10-15 ईयर्स बैक है ना मतलब आकर है ना सर अभी आलमपुर की तौर है ना बेस्ट टाउन है मतलब है ना भिंड में है ना बेस्ट है या मध्य प्रदेश में बेस्ट है ऐसे भी बन सकता है आप सपना नहीं देखोगे तो फिर नहीं बन सकता आप सपना देखोगे तो बिल्कुल बन सकता है बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि जैसा सोचा था वैसा नहीं था। आलमपुर जो है मैं एंटर हुआ तो मुझे लगा यहाँ पर बहुत एक अच्छा संपन्न कस्बा और सड़कें जो है बिल्कुल अगर विकसित कर दी जाए अच्छे ड्रेनेज बना दी जाए बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छी है उनको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर दिया तो एक बहुत धनी और एक बहुत अच्छा सुंदर कस्बा है। यहाँ पता चला कि बहुत शिक्षित लोग हैं बड़े बड़े पदों पर यहाँ से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के कार्यों के बारे में जानकारी रखता हूँ सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्यों के बारे में। तो विकास कार्य जो है दो प्रकार के होते हैं एक तो क्या मामला है बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं बड़े बड़े पदों पर टेक्नोलॉजी यहाँ लाएंगे तो आगे जैसा कलेक्टर सर का बताया किसी से बहुत अच्छा है जमीन तो सर ने बहुत किया है और मैं भी भले मैं पुलिस अधिकारी हूँ लेकिन मैं पूरी क्षमता के साथ और पूरी सहयोग के साथ इस कार्य में साथ का जो कार्य इसमें ये लगे हुए हैं इसमें पूरा सहयोग करूंगा मैं जहाँ भी मेरी आवश्यकता हो नगर परिषद की जरूरत हो विकास के कार्य के लिए व्यक्तिगत रामकुमार की जरूरत हो सभी आप हमें निर्देश अवश्य करें ऐसी मैं सभी लोगों से आशा करता हूँ अपनी मानी को सभी पत्रकारों की ओर से और हमारी प्यारी सभी बहनें हम सब आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं हृदय से अभिनंदन करते हैं। आज हमारा इस कार्यक्रम का जो आयोजन है उसका उद्देश्य क्या है मैं आदरणीय कलेक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस भिंड जिले की पावन धरा जिसको आपके दिल ने एक बार आपके दिल से आवाज निकली थी सोनभद्र का नदी मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब आपकी दिल की आवाज़ थी सोनभद्र का नदी हमारे इस भिंड जिले की वो दहलीज है जहाँ से हम होकर गुजरते हैं लेकिन आज वो दहलीज से जब हम गुजरते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं दुख होता है कि आज वो दहलीज वो हमारी पावन धरा वो हमारी नदी आज गंदगी में तब्दील है माफ करना मैं शिकायत नहीं करना चाहता हूँ लेकिन ये हमारी आलमपुर क्षेत्र की पावन धरा है हमारे आलमपुर क्षेत्र की माँ है हमारे आलमपुर क्षेत्र की जैसी माँ है जिसकी गोद में हम लोग बैठे हैं आज वो माँ संकट में है इसलिए मेरी मांग है समूचे मध्य प्रदेश में हमारे हर युवा की सोच है हमारे हर युवा की मांग है मैं टटोला युवाओं की नवजुको भिंड से मैंने जाना है कि हर युवाओं की मांग है कि भिंड कलेक्टर समूचे भिंड जिले का विकास कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इसलिए मैं आपके इतिहास में सोनभद्र का नदी को फिर से जीर्णोद्धार करके उसको प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में देखना चाहता हूँ और हमारे जो आज लोट माता अहिल्याबाई होलकर जो हमारी स्मृति है आज वो भी कहीं ना कहीं आज कन्या के छुप में डूब रही है मैं चाहता हूँ कि लोट माता अहिल्याबाई होलकर रामकुमार त्रिपाठी जी और नगर परिषद का दबोगी आलमपुर नगर परिषद का जो सपना है अहिल्याबाई होलकर की जो स्टैचू रखी हुई है वो स्टैचू भी लाना चाहिए और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जो मूर्ति रखी है वो भी रखना चाहिए ये हमारे पत्रकारों की विशेष और मेरा आपसे निवेदन है आप सभी युवाओं से निवेदन है कि आपके पास
तस्वीर को बदलेंगे। हमारे भिंड हमारे दमोह क्षेत्र की दूसरी जो भिंड जिले में कहा जाए गौरी सरोवर, जिसका इतिहास बदलने का काम सम्मानीय मेयर एलटी ने किया है, वैसा ही इतिहास हमारे ऐतिहासिक कमह तालाब का जीर्णोद्धार के रूप में हो, ये हमारी दमोह की उसी मांग है। हमारे करदैन तालाब हमारी ऐतिहासिक पुरातत्व भूमि है और वो भी हम चाहते हैं जिस प्रकार से आपने गौरी सरोवर का सपना को साकार करते हुए सुंदरता के रूप में निखर रहा है, ऐसे ही हमारा करदैन तालाब और हमारी स्वर्ण वर्तिका नदी का सपना साकार हुई हमारी मांग है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कलेक्टर साहब कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, सफलता एक चुनौती है जिसे आप स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक आप सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो दो, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। युवा आपके साथ खड़े हैं, एक तरफ युवाओं का जोश है, एक तरफ बुजुर्गों का होश है, हम दोनों मिलकर इस बिल्ड की तस्वीर बदलेंगे, हमारा सपना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, युवाओं की तरफ से ही कहना चाहता हूँ कि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, धन खोया कुछ नहीं खोया, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, स्वास्थ्य खोया कुछ खोया है, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, यदि आपका चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला गया, इसलिए चरित्र को संभाल कर रखिएगा। मैं जाते जाते उदाहरण देना चाहूँगा, कलेक्टर साहब जब यहाँ परीक्षा हुई बोर्ड की, संस्कृत बोर्ड की परीक्षा थी, हमारे आंखों का नज़ारा है, हमारे आंखों के सामने की बात है, सरस्वती स्कूल में कुछ लोग आए, बोले थोड़ी सी नकल सैयानी तो संस्कृत बोर्ड है सभी करते पास हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ प्राचार्य जी बैठे हुए सरस्वती स्कूल, बोले किसी भी प्रकार से यहाँ नकल नहीं होगी और किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपका दबाव नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ भिंड कलेक्टर इलैया राजा टीम खड़े हुए हैं और जरूरी नहीं है कि भिंड कलेक्टर इलैया राजा की भिंड में बैठे हों, भिंड कलेक्टर इलैया राजा की हर प्रशासनिक कार्यालय में मौजूद रहते हैं, लोगों के दिल में रहते हैं, यहाँ के प्रशासनिक कर्मचारी को ताकत है उनकी। आज ये मोबाइल की कीमत किसी ने अगर बताई है तो मोबाइल की कीमत इलैया राजा टीम की देन है, इस मोबाइल में से कोई नहीं करता था, अखबारों में तो सुबह छपाया करता था, लेकिन लोगों को डर रहता है कि इसी पे पत्रकारों ने कुछ डाल लिया तो कार्रवाई तत्काल होना है, नहीं तो एक जमाना हुआ करता था तब कलेक्टर की दहलीज पर 100 रुपए 200 रुपए लगते थे, ये जमाना भी खत्म हो गया। बस मेरी इस चाहत को सदा दिल में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी वो सब दिनी है और सब दूरी होगी। Thank you.